अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनके न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लास्ट सैटरडे नाइट 9 तारीख के दिन नाइट सुलेमान नगर में एक गरीब बच्चे की शादी हो रही थी फंक्शन हॉल में, भी स्कूल फंक्शन हॉल में। तो उस शादी में बस्ती के पूरे लोग आते और लोकल जो सोफ़ा मेकर फिरोज भी था शादी में, और नसीम लाला बोल के और एक जो रियल इस्टेट कारोबार करता उन्हें था, परवेज था, मोहसिन बहुत जने थे। तो ये नसीम लाला जो भी सुलेमान नगर में रहता उन्हें जरा पी के थोड़ा शराब पी के था, वो कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ न्यूसेंस हुआ उसमें। तो शादी के अंदर गड़बड़ हो रहा बोल के लोगों को 100 डेल को फ़ोन करे तो ये 5 मिनट के अंदर हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल शादी के पास पहुंची। तो शादी हो रहा बहुत जने थे, गरीब बच्चे की शादी थी बोल के थोड़ा बहुत समझे। बड़े जो शादी में बड़े लोग आते हैं बोले साहब आपस में लोग एक ही है साहब हम बात कर लेते सब बोल के हमारे पेट्रोलिंग वैन को थोड़ा वहाँ से थोड़ा दूर हट गए। तो इन्हें नसीम लाला जो पी के था और वो फिर उस कंप्लेंट करा बोल के उसके ऊपर गुस्सा बढ़ा लिया उन्हें, और वो थोड़ा बदमाश टाइप का है नसीम लाला। उसके साथ में हमेशा बटन चाकू लगा लेता हूँ, रियल इस्टेट वो एक कारोबार करता बटन चाकू हमेशा साथ में लगा लेता उन्हें। तो उस दिन रात में शादी चल रही थी, लोग खाना वाना खा रहे थे, तो बाजू ये फिरोज़ बाहर निकल के उस दोस्त के साथ में अकील के साथ में तकरीबन रात के 1:30 बजे घर को जा रहा था। तो उन्हें मेरे को बदनाम करा, उन्हें पुलिस वालों ने बुलाया बोल के ग्रज लगा लिया इन्हें नसीम लाला। उन्हें दोस्त को बुला लिया सर्वर के घर गया, सर्वर को लिया और मोहसिन को लिया। तो ले लेके फिरोज़ मोटरसाइकिल पे घर को वापस जा रहा था, रास्ते में रोक के उन्हें सर्वर और मोहसिन वकील पीछे था उसको रोक लिया, उसको गाड़ी से उतरने के बाद अकील को रोका उन्हें मोहसिन और सर्वर। तो इन्हें नसीम लाला चाकू लेके उसको स्टैब करा फिरोज को, तो सीने में चाकू उतरा, एक डीप इंजुरी था उसको, तो ब्लीडिंग चालू हो गया तो गिर गया ब्लीडिंग से उन्हें। तो इमीडिएट फिर लोग आप 100 को डायल करे तो 3 मिनट के अंदर 100 डायल के हमारे पुलिस वाले पहुँच गए। वही एरिया में थे सलीम नगर सुलेमान नगर के मेन रोड पे थे, पहुंच के उसको इमीडिएट एक एम्बुलेंस में लेके उस्मान हॉस्पिटल को लेके गए। तो ब्लीडिंग हैवी था, तो उस्मान हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर से एग्जामिन करके उसको डेड ब्रॉड डेड बोल के डिक्लेयर करे। तो इमीडिएट उसके बाद वो लेके अखिल साथ में भी था, अखिल जो आई इसका विटनेस है साथ में था, उन्हें भी डॉक्टर ने साथ में गया था। तो उसमें कंप्लेंट लेके इमीडिएट मर्डर केस रजिस्टर करे नसीम लाला के ऊपर, सर्वर के ऊपर, मोहसिन के ऊपर, तीनों को। तो कल रात में वो भागे हुए थे, तो राके फिर इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर साहब मौके पर पहुँच गए और 45 मिनट्स के अंदर जाके पर एग्जामिन करे, पंचनामा करे, पूरे सबको एग्जामिन करे, शादी के अंदर कौन कौन थे और गवाह कौन कौन थे सबको भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, उधर रिकॉर्ड कर लेके नेक्स्ट डे फिर पोस्टमार्टम करा दे के बॉडी को हैंड ओवर कर दिए। तो अच्छी बंदोबस्त लगा एरिया में, फिर आएंगे गड़बड़ी सर का उसको मुताबिक करे। तो पूरे महीने के लोग आए, वो सोफ़ा मेकर था फिर अनमैरिड था, 22 साल का उम्र है ये नसीम लाला बदमाश, वो छोटे मोटे रियल इस्टेट वे कर लेके उन्हें कारोबार कर लेता था। वो सर्वर बोल के भी इसका दोस्त है, वो भी दूसरे केसेस में भी है, दोनों बदमाश मोहसिन भी है, तो तीनों इन्वॉल्व है केस में। 2 पकड़े 1 मारा स्टैप करा, तो क्लियर एविडेंस है, लोग देखे सो है, अकेली साथ में था तो गवाह भी अच्छा गवाह है, तो उनको अरेस्ट कर लिए और जो चाकू इस्तेमाल करे वो भी सीज कर दिए। तो इनके ऊपर ये दूसरे केसेस में इन्वॉल्व है ये तीनों, उनके ऊपर पीडीएक्ट भी लगाने वाले हैं, पीडीएक्ट प्रपोजल भी इंस्पेक्टर सुरेश प्रपोजल डाल दिया आज ही, वो प्रपोजल 3-4 दिन के अंदर प्रपोजल कमीशन साहब से प्रपोजल आ जाएगा, वो पीडीएक्ट में इनको डिटेन कर देते हैं हम। तो गुजारिश ये है कि बदमाशियाँ नहीं करना लोगों को, ये पी के रातों में 11-12 के बाद रोड पर नहीं फिरना। तो सुलेमान नगर तकरीबन एक पीसफुल एरिया से गुजर रहा था, ये वाकई से थोड़ा गड़बड़ हो गई एरिया में, पूरे लोग पूरे डरने लगे। तो हम चबूतरा मिशन कैंपेन चालू करे, फिर उधर इलेक्शन तक पार्लियामेंट इलेक्शन तक चबूतरा मिशन चलाए, तो पूरा पीसफुल था। फिर अब शादियाँ बहुत है बोल के हम रोक दिए थे, वो तकरीबन सुलेमान नगर एरिया से लेकर 9 नंबर तक 25 शादी खाने हैं, शादियाँ होती थी रात में, लोग आते जाते जाते रहते, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करने के लिए बोल के हम थोड़ा चबूतरा मिशन रोके। फिर ये वाक़ होने के बाद चबूतरा मिशन चालू करे डेली, जो भी रात के 12 के बाद रोड पे जो दिखेंगे चबूतरे पे बैठेंगे, होटल के बाद उधर घूमेंगे, सिगड़ा पी के घूमेंगे, 9 बजे से 2 बजे से मोटरसाइकिल पे घूमेंगे, पैदल जाएंगे, सबको लेके आएंगे
लाएंगे। चबूतरा मिशन में उन्होंने दूसरा बार घटा तो उसको हम जेल को भेजा देते हैं एक हफ्ते के लिए, वो भी वार्न कर रहे हैं, पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग भी कर रहे हैं। ये चबूतरा मिशन चल रहेगा और उधर कार्डन सेक्स भी करके फिर लोगों में फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम सैटरडे संडे हफ्ते में दो बार सुलेमान नगर ए बी और एडजस्टिंग एरियाज में कार्डन सेक्स ऑपरेशन भी कर सकते, तीनों को अरेस्ट करें, हम तीनों को रिमांड करने वाले हैं। थैंक यू। नाज़रीन मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।